फौजी, आप देख रहे हैं डेली न्यूज चैनल। नई खोज खबर के साथ डेली न्यूज चैनल चुनावी सफर में आज पहुंचा है ग्राम बढ़ौली पुखराया कानपुर देहात, जहां पर 208 भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। आज हमने देखा कि यहां पर काफी भीड़ थी। चलो इन्हीं से बात करते हैं कि 208 विधानसभा भोगनीपुर में ये लोग किसको जिताने की तैयारी में है, क्या जनता का मूड है, इनका मूड हम भाप लेते हैं। आपका अपना नाम बताइए। राजनेत्री अग्निहोत्री जी, आप ये बताइए कि 208 भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, अब किसका रुझान आगे चल रहा है? कमल का। कमल का? तो कमल का यानी कौन है आपका प्रत्याशी? राकेश सचान। आपका नाम क्या है चाचा? भजन लाल जी, आप बताइए जनता का रुझान गाँव का किस तरफ है? कमल पर। आपके जितने भी उम्र दराज लोग हैं, आपकी उम्र कितनी हो गई? 84 साल। 84? और आप तो लग नहीं रहे 84 के, आप तो लग रहे 60 साल के हैं। हाँ, क्या खाते हो? दूध पीते, घी खाते। हाँ, और बादाम? मोदी बाबा के चावल जो 10 किलो मिलते वो खाते हो? हाँ, और इतनी ताकत? दो साल के खा रहे। अच्छा, चलिए, आपका शुभ नाम क्या है? हमारा शुभ नाम अजय कुमार। अग्निहोत्री जी, आप बताइए क्या रुझान है बड़ौली में, गांव में? हम रुझान की बात क्या बताएं, अब देखते मुकदम बदी होगी उसको मिलेगा। क्या आइडिया है आपका, अपना आइडिया बताओ। अबे तो भैया आशुतोष पांडे के साथ में आए। आशुतोष पांडे आम आदमी पार्टी? हाँ, झाड़ू। हाँ, अरविंद केजरीवाल। हाँ, अरविंद केजरीवाल। बहुत बढ़िया। तो कोई आप पद में है क्या पार्टी में? हाँ? आपको कोई पद है पार्टी में? सदस्य है। अच्छा, आप मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के? तो आपका रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है। कहने का मतलब ये है, कितने लोग हैं इधर बढ़ौली गाँव में आम आदमी पार्टी? गाँव में कम से कम 50 लोग तो होंगे, कम से कम। अरे ये तो आपने नई बात बता दी, चलो अच्छी बात है। आपका नाम क्या है भाई साहब? अग्निहोत्री जी, आप बताइए कि यहाँ का रुझान गांव का क्या है? बीजेपी को और आम आदमी पार्टी का भी रुझान है? यानी कुछ नहीं आए। हाँ, कुछ नहीं आए। अच्छा, बीजेपी का ज्यादा है। आपका चाचा नाम क्या है? छोटे। क्या रुझान है गाँव का? कमल का फूल है। कमल का फूल खिला रहे हो? कमल का फूल खिला रहे हो। अच्छा, कमल का फूल खिला रहे हो ताकि एक सिलेंडर फ्री मिल रहा है, 5 किलो राशन और 10 किलो हो गया। गलत मिले रहो। अम्मा आप बताइए क्या रुझान है गांव का? कमल। अच्छा, आप महिलाओं के साथ में बैठते उठते हैं, क्या चर्चा चल रही है? हाँ हाँ, चलो कोई तो मिलता होगा मोहल्ले में, क्या चर्चा चल रही है? कमल, आप बताइए क्या चर्चा है? योगी का चुनाव नहीं है अभी तो, योगी जी का उत्तर प्रदेश का। हाँ, तो योगी को देंगे। योगी को? बिल्कुल। क्यों दोगे योगी को, क्या फायदा योगी के? योजना है और बहुत कुछ करा है उन्होंने। हमारा क्या कहते वृंदावन, उन्होंने क्या कहते जगमगा कर दी। इधर को देखो, हाँ कैमरा, जगमगा कर दी उन्होंने। और मथुरा को सजाएंगे जैसे अयोध्या सजाई है। अच्छा, वोट उन्हीं को जाएगा। आप बताइए किसको जिता रहे हो? नहीं बताइए, अभी नहीं बताएंगे। भोगनीपुर में? हाथी को? अच्छा, हाथी पक्का? पक्का। ये चाचा से बात कर लेते हैं, ये काफी लोड है आपकी गाड़ी तो बहुत छोटी दिख रही है, सामान बहुत लोड किए हो आप। हाथी? हाथी। अच्छा, पूरी ताकत के साथ? पूरी ताकत। अच्छा, क्या है खेतों में, क्या बात कर रहे हो, क्या बताओ कौन जीत रहा है? हमारे इनते मनु यादव। समाजवादी पार्टी? हाँ। साइकिल? अरे गोरू तो पटाइया ही कम दे कम। अच्छा, अगर मनु जीत गए, अखिलेश सरकार आएगी तो ये गोरू बन जाएंगे? हाँ, बंद हो गई है।
सब खोटे से बन जाएंगे। हाँ सब बन जाएंगे। रात भर किसान खेतों में पड़ा रहता है और रोड पर गाय बैठती है जिससे एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। हमारे गांव में कम 100 गोरू बैठे हैं। भाई गांव कहाँ पे? इस तरह बैठ बगल में। हाँ परमानेंट बैठा रहता है। कोई आया आज तक इन्हें पकड़ा ले, कोई नहीं पकड़ा। और गौशाला नहीं है? नहीं है माया। योगी जी तो कहते हैं कि हमने गौशाला बहुत खुलवाए हुए हैं, गौशाला में गाय बंद है, और आप कह रहे की हमारे गाँव में नहीं है कहीं भी। हम लोग परेशान गोरू थे, सब लग जाते रहो रात दिन वही लेटा था। नहीं अच्छा लेटा था, अब खेतवा से आ रहे अभी घुसा है मेरे खेत में। तो फिर ये सरकार झूठे वादे कर रही है कि हमने गौशाले खुलवाए हैं? नहीं कराए, जहाँ कराए मेरे गांव में नहीं कराए। आपके खेत में गौशाला तो है नहीं? नहीं है, नहीं है। पूरा गाय ऐसे घूम रहा है परमानेंट। क्या नाम है आपका? अच्छा आपके साथी लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? कमल कपूर को वोट देना। ग्राम बढ़ौली 208 भवनीपुर विधानसभा क्षेत्र से डेली न्यूज चैनल के लिए कैमरामैन मनीष के साथ में रशीद अली साहब फौजी। जय हिंद।